Welcome to the club. Burn up. Burn out. Burn, burn out. Burn up again. प्रभु की इच्छा पूरी करो, आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। कैसे हो आप सब लोग, अच्छे हो ना। अरुण बुग्गल इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपके पास कौन सा भविष्यवक्ता का अभिषेक है? विशेष भविष्यवक्ता का अभिषेक है आपके पास। लेकिन ये विशेष क्यों है? क्योंकि हम सब लोग क्या करने वाले हैं? महान राजा के आने के लिए मार्ग तैयार करने वाले हैं। इस छोटी सी उम्र में यीशु पिता ने आपको एक विशेष और अमूल्य अभिषेक दिया है ताकि आप बहुत से महान कार्य कर सकें। चाहे आप छोटे बच्चे हो, यीशु पिता के आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हो। आप प्रभु का प्रदर्शन करते हैं। भविष्यवक्ता के शब्द, न्याय के शब्द और चेतावनी के शब्दों को बताने के लिए यीशु पिता ने आपको एक ऊंचे स्थान पर रखा है। पर मैं इतनी उत्तेजकता से क्यों कह रही हूँ? आने वाले शो को देखिए और आप समझ जाओगे कि मैं इतनी उत्सुकता से क्यों बोल रही हूँ। हे हैना, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ डैनी, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। वैसे ये बताओ कि मेरी जीप कैसी है? बहुत ही अच्छी है डैनी। ठीक है सिर्फ अच्छी है मत बोलो, बैठो इसमें, मैं घुमा के लाता हूँ तुम्हें। नहीं डैनी। ए, मैं तुम्हें गिरा दूंगा, इसका डर है ना? नहीं डैनी। ठीक है आजकल तुम दिखाई ही नहीं देती हो, क्या तुम बहुत व्यस्त हो? डैनी तुम्हें कुछ पता है? हाँ, क्या है? यदि हमारे दिल में यीशु पिता का वचन ना हो तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हाँ? तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तुम्हें अच्छे से बाइबल पढ़नी चाहिए। अरे रे, मुझे तो अपने स्कूल की किताबों को पढ़ने में भी कठिनाई होती है, तो मैं बाइबल कैसे पढ़ूंगा? हाँ डैनी, तुम्हें स्कूल बुक पढ़ने में कठिनाई होती है? हाँ हाँ, तुम्हें कुछ पता है? तुम क्या बाइबल अच्छे से पढ़ती हो? हाँ डैनी। हाँ, मैं भी बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक बार पढ़ता हूँ ना तो मैं फिर भूल जाता हूँ। वो हम भूल न जाए इसलिए ना यीशु पिता ने कहा है कि दिन रात हमें उसका ध्यान करना चाहिए। पर मैं तो वैसे नहीं पढ़ता हूँ ना, क्योंकि स्कूल के लिए देर हो जाती है ना, तो मैं गड़गड़ ऐसे जल्दी जल्दी में ना बाइबल पढ़ता हूँ, वैन में बैठता हूँ और स्कूल चला जाता हूँ। डैनी, तुम्हें बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए, तभी वो हमारे मन के अंदर आएगी। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो मन के अंदर नहीं आएगी। ऐसा है क्या? अब तक तो मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है ठीक है, आज के बाद मैं बाइबल उसी तरह से पढ़ूंगा जैसे तुमने कहा है। मैं प्रभु का वचन दिन और रात में पढ़ूंगा और स्मरण करूंगा, और मैं यीशु पिता के वचन को अच्छे से सुनूंगा, फिर संसार को उसकी भविष्यवाणी करूंगा। बहुत बढ़िया डैनी, मैं भी वही करूंगी। ठीक है ठीक है, अगर हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं ना तो हमें शक्ति मिलती है ना? हाँ डैनी। उसके बाद ही हम शैतान का नाश कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ ठीक है, अब बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो जल्दी चलो ना, आओ ना। ठीक है चलो। देखा आपने, आप सब लोग आश्चर्यचकित हो गए हो ना शो को देखकर।
ठीक है, हालांकि आप सबको विशेष अभिषेक प्राप्त हुआ है, आप सब लोग बहुत सा समय सोने के लिए देते हो, मनोरंजन के लिए देते हो, वो सब ठीक है, लेकिन वो सब नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है भविष्य वक्ताओं के ऊपर बहुत ही महान जिम्मेदारी है। आपको समय निकाल कर ये सोचना है कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, इस विषय में आपको सोचना है। आप सब स्कूल जाके होमवर्क करके सिर्फ ऐसे जीना ऐसा सोच सकते हो? हाँ, होमवर्क करना है, पर हर एक दिन के अंत में आपके अंदर के भविष्यवक्ता के अभिषेक ने किस तरह से काम किया है इसके विषय में सोचना है। यीशु पिता के दिए हुए भविष्यवक्ता के शब्दों की क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? क्या आप दर्शन स्पष्टता से देख पा रहे हैं? हम ऐसे क्षण में हैं जहां आपको इन सब चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से विश्लेषण करोगे? तो मैंने अपने दो दोस्तों से इस विषय में बात की है। बाइबल नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो, क्या हम शो देख सकते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। आप सब प्रकाशित लग रहे हो और उत्सुकता से इंतजार भी कर रहे हो। ठीक है, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। ठीक है, लतिका लगता है कुछ कहने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही है, क्या हम वो सुने? बताओ हमें लतिका। आंटी, जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक लेकर गए थे आंटी, और वहाँ ले जाकर यीशु पिता ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे अभिषेक प्रदान किया है, लेकिन मुझे हर रोज उसमें अभ्यास करना चाहिए आंटी। ऐसा कहा उन्होंने मुझे आंटी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अंतिम दिनों में होने वाली वो हर एक चीजों के बारे में मुझे सिखाएंगे आंटी, और उन्होंने कहा कि जिनका भी अभिषेक हुआ है उन्हें चिप लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, और जिन लोगों का अभिषेक हुआ है और वो चिप लेने के लिए मना कर देते हैं आंटी, सिर्फ वही लोग स्वर्गलोक की चीजों का आनंद उठा पाएंगे, ऐसे कहा आंटी। इसके दर्शन को आप दोनों ने सुना ठीक से? हाँ आंटी। कौन सा पॉइंट आपके समझ में आया? आंटी, अंतिम दिनों में हमें चिप नहीं लेनी चाहिए आंटी। ठीक है, तुम्हें क्या समझ में आया? चाहे कितना भी दर्द हो, सिर्फ अंतिम दिनों में नहीं आंटी, बल्कि मसीह लोग अभी भी उत्पीड़न झेल रहे हैं आंटी। चाहे कितना भी उत्पीड़न हो, हमें प्रभु यीशुआ के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये एक जरूरी पॉइंट है ना? हाँ, सच है कि ये एक जरूरी पॉइंट है, पर इससे महत्वपूर्ण चीज दर्शन में छिपी हुई है। यीशु पिता ने तुमसे क्या कहा? इस अभिषेक में आप सबको अभ्यास करना। हाँ, वही मुख्य चीज है। हमारे अंदर के भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। अब सरविन, तुम बताओ, भविष्यवक्ता का अभिषेक जो तुमने प्राप्त किया है, क्या तुम उसका अभ्यास कर रहे हो? हाँ, अभ्यास कर रहा हूँ आंटी। किस तरह से अभ्यास कर रहे हो? आंटी, पहले मैं बहुत ही कम समय प्रार्थना किया करता था, पर अब आंटी मैंने अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाया है। और पहले आंटी, जब भी मेरे पास समय होता था, मैं प्रभु ईश्वर के बारे में सबसे बताता था, पर अब मैं ये हमेशा करता हूँ आंटी। ठीक है, और तुम एंजल? आंटी, मैं ना बाइबल नियमित रूप से पढ़ने लगी हूँ। इससे पहले ना मैं बाइबल रात में नहीं पढ़ती थी, दिन में पढ़ती थी आंटी। अब रात में भी पढ़ती हूँ, दिन में भी पढ़ती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हो कि आप बाइबल पढ़ते हो ना? अब बाइबल पढ़ने में और आपके भविष्यवक्ता के अभिषेक में क्या संबंध है? आंटी, वचनों के द्वारा ही हमें भविष्यवाणी करनी है, और यीशु पिता जो कहते हैं उसके विषय में भी। तो इसी का आपको अभ्यास करना है। और लतिका, यीशु पिता ने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी चीज कही है कि वचनों के द्वारा आपको भविष्यवक्ता के अभिषेक में अपने आप को तैयार करना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बाइबल, कि वेद और वचनों की महत्वपूर्णता क्या है। जैसे जैसे आप बाइबल को पढ़ोगे, आप समझोगे। निर्गमन की किताब से 32वां अध्याय पढ़े हम। तो दोस्तों, आपने बाइबल खोली, निर्गमन की किताब से 32वां अध्याय, इसमें से हम एक वचन पढ़ने वाले हैं। 15वां वचन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा आंटी। ठीक है, पढ़ो। तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था। मूसा भविष्यवक्ता के हाथों में क्या था? साक्षी की तख्तियां। साक्षी की तख्तियां। उन तख्तियों पर क्या था? 10 आज्ञाएं। उन तख्तियों की दोनों तरफ लिखा हुआ था।
आप अगला वचन पढ़ते हो, और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। लिखा हुआ और था। हमारे हाथ में भी अभी एक तख्ती है। क्या है ये? बाइबल। ये है वचन, प्रभु के वचन है ये, और इन वचनों को प्रभु ने लिखा है। इसका विश्वास है आपको? हाँ जी, जी। दोस्तों आपको विश्वास है ना कि ये प्रभु के लिखे हुए वचन है? ये प्रभु के लिखे हुए वचन है। जो भी इन वचनों को पढ़ते रहता है और दिन रात इन वचनों पर ध्यान करता है वो इन वचनों से भर जाता है। ये वचन आपके अंदर भर जाते हैं और जब आप प्रार्थना करते हो और प्रभु की तरफ देखते हो, जैसे कि लतिका ने कहा था, तो आपके अंदर के भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ आपको क्या करना है? हर दिन जीवित रखना है, उसमें अभ्यास करना है, बाइबल के वचनों को पढ़कर इनमें अभ्यास करना है और प्रभु उन वचनों पर प्रकाश डालेंगे। तो वो आपके अंदर होने चाहिए। जब बाइबल के वचन आपके अंदर होंगे तो वो अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे आपके लिए, और उस वचन की आप अपने दर्शन के साथ तुलना करोगे और फिर भविष्यवाणी करोगे, तब वो लोगों को फिर से जीवित करेगा और वो उनको उनके पापों से मुक्त करेगा और उनका उद्धार करेगा। करेगा कि नहीं उद्धार? हाँ जी। आजकल समाचारों को देखकर हम कितनी सारी चीजों के विषय में जानते हैं ना। अचानक मृत्यु होती है, अचानक से लोग पाप में पड़ते हैं और नरक की तरफ बढ़ने लगते हैं ना। हाँ जी। तो आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सबको बचा कर उनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने आप सबको भविष्यवक्ताओं की तरफ भेजा है। वो हर एक दिन जो आप जीते हो आपको एक भविष्यवक्ता की तरह जीना है। छोटे बच्चे होकर भी आपको किस तरह जीना है? भविष्यवक्ता की तरह। सिर्फ भविष्यवक्ताओं की तरह नहीं, पर ये वचन के अनुसार जीना है। जब आप प्रार्थना करते हो बाइबल के अनुसार आपको कैसे प्रार्थना करनी है ये आपको जानना चाहिए। किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से आपको बाइबल पढ़नी है, किस तरह से आपको भविष्यवाणी करनी है, ये सब चीजें प्रभु ने यहाँ पर लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ आप तीन बच्चे ही नहीं, पर ये कार्यक्रम देखने वाले हमारे सभी दोस्त, ये हमारे दोस्त है ना। हाँ, आप सभी को इस वचन को बहुत महत्व देना है। बाइबल के सभी भविष्यवक्ता प्रभु के वचन के भय से कांपते हैं। कांपते हैं कैसे? कांपते हैं भय से, कांपते हैं। प्रभु के शब्द का इंतजार कर रहे थे, वो भविष्यवाणी का इंतजार कर रहे थे। प्रभु की आवाज बिजली की तरह भयंकर थी। प्रभु की आवाज नहीं सुननी ऐसा कहकर इजराइलियों ने क्या किया? अपने कान बंद कर दिए। तो इतनी भयंकर है प्रभु की आवाज, पर इतनी छोटी उम्र में आप प्रभु की आवाज सुन रहे हो और उसकी भविष्यवाणी कर रहे हो, तो कितनी बड़ी जगह पर प्रभु ने आपको रखा है ना। तो आपके जीवन में आपको तैयार करना है अपने आपको। तो साधु दादा ने आप सबको क्या सिखाया है? बाइबल पढ़ते वक्त यीशु पिता मुझे भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ इसे पढ़ने में मदद कीजिए, ऐसा कहना है। जब आप ऐसा करते हो तो यीशु पिता क्या करते हैं? उस अभिषेक के द्वारा हाँ भविष्यवाणी उजागर करते हैं, और ये आपको नया लगेगा। बहुत सी बार आपने वही वचन पढ़ा होगा लेकिन अब उसमें एक भविष्यवक्ता का संदर्भ मिलेगा। तो क्या वचन में आप सब अभ्यास करोगे? हाँ जी। दोस्तों अब हम सब प्रार्थना करने वाले हैं। क्या आप सभी घुटने टेक के तैयार हो? लतिका हम सबके लिए प्रार्थना करने वाली है, चलो उसके साथ प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। स्तुतियो 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 यीशु पिता, पिता आपकी स्तुति हो। यीशु पिता स्तुतियो, यीशु पिता आपकी स्तुति हो। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो। यीशु पिता अभी भी जो सब ये कार्यक्रम देख रहे हैं यीशु पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु पिता। यीशु पिता आपके भविष्यवक्ता का अभिषेक उनके लिए, उन सब लोगों पर यीशु पिता जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं यीशु पिता। यीशु पिता उन सब की मदद कीजिए जिसके ऊपर आपने भविष्यवक्ता का अभिषेक उंडेला है। यीशु पिता मदद कीजिए, यीशु पिता मदद कीजिए कि वो इसमें अभ्यास कर सके। यीशु पिता, यीशु पिता उन्हें इस तरह से आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता ओरे शी खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा खारा बारा ओरे बारा शेरे खारा खारा बारा हेरे बारा 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 ओरे बारा खारे शेरे खारा 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 बारा बारा खाला बारा ओरे खारा शारा खाना खारा खारा बारा शेरे बारा 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 ओरे खारा खारा खारे शेरे खारा खारा बरे हारा बारा शेरे बारा ओरे हेरे बारा खारा शेरे बारा 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 ओरे बारा खारा 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 शेरे बारा खारा 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 बारा बारा ओरे बारा शेरे बारा खारा 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 बारा ओरे बारा खारा
खरा शेरे बारा खरा 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 ओरे बारा शेरे बारा खरा 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 बारा 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 शेरे बारा बा। यीशु पिता, जिन सबको आपने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्रदान किया है वो उसमें बहते रहे यीशु पिता, और ये अभिषेक को सक्रिय रखे यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता वो इसमें बढ़ते रहे, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उन्हें सक्षम बनाए यीशु पिता। यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, वो इस अभिषेक में बढ़ने चाहिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, जिनके पास भी ये भविष्यवक्ता का अभिषेक है यीशु पिता, वो अपने आत्मिक जीवन में भी बढ़ने चाहिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, बढ़ने चाहिए यीशु पिता। जिन सबको भी भविष्यवक्ता का अभिषेक चाहिए और वो जो आपसे मांग रहे हैं उनको वो प्रदान कीजिए यीशु पिता। उनको इंतजार मत कराइए यीशु पिता, उनको प्रदान कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, प्रदान कीजिए। ओ वारा शेखे रे बारा हरा बारा शेरे बारा ओ रे ले शेरे बारा हरा बारा शेरे बारा बारा ओ रे खारा बारा। यीशु पिता उन्हें खत्म मत होने दीजिए यीशु पिता, पर वो आपकी तरफ मुड़े और आपके वचनों को अच्छे से सुने यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता उन्हें आपकी तरफ देखने का अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, यीशु पिता कोई भी भविष्यवक्ता के शब्दों को सुनकर उन्हें अनसुना ना कर दे यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, जो सुनते हैं वो उन शब्दों से जुड़े रहे और उसमें बढ़े यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उनको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता वो साहसी होकर भविष्यवाणी करें कोई भी भय के बिना, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। यीशु पिता धन्यवाद कि आपने उनको आशीर्वाद दिया है यीशु पिता। यीशु पिता आपने कहा है कि आप छोटे बच्चों की प्रार्थना को सुनते हो, तो इस प्रार्थना को सुनिए यीशु पिता। यीशु पिता भविष्य वक्ताओं को साहस और शक्ति प्रदान करने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। ओरे पेरे शेरे खेरे बारा हरा बारा शेरे बारा खरा बारा बारा ओरे बारा शेरे खरा खरा बारा हेरे बारा हरा बारा शेरे बारा। यीशु पिता हर एक बच्चे को सक्षम बनाइए कि वो बहते रहे और भविष्य वक्ता का अभिषेक सक्रिय रखे यीशु पिता। हाँ सक्षम बनाइए यीशु पिता, उन्हें सक्षम बनाइए यीशु पिता। वो अधिक से अधिक बाइबल को पढ़े और उनके दिलों में आपका वचन हो यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, और उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो इसका इस्तेमाल करके भविष्यवाणी कर सके। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, क्या आप सब ने प्रार्थना की? प्रार्थना करते वक्त आप सबको बहुत से बदलाव महसूस हुए होंगे। इसका कारण है आपके अंदर का भविष्यवक्ता का अभिषेक। इसकी वजह से प्रभु की आवाज और दर्शन आप देख पाए होंगे ना? और इसी आग के साथ हर दिन आपको प्रार्थना करनी चाहिए और अपने प्रार्थना का समय बढ़ाना चाहिए। अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं तभी अभिषेक हमारे अंदर महसूस होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस अभिषेक के साथ पूरा दिन हमें जीना सीखना चाहिए। पता है, भविष्यवक्ता के अभिषेक के साथ ही जहाँ कहीं हम जाते हैं तभी प्रभु हमें सक्षम बनाते हैं कि उनके शब्दों की भविष्यवाणी हम सबके साथ कर सके, और प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे दूसरों के लिए मार्ग तैयार करने के लिए उनके कार्यों के विषय में आपको बताने के द्वारा। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं और सबसे मुख्य कार्य है प्रार्थना करना। तो अच्छे से प्रार्थना कीजिए और भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़िए और भविष्यवाणी भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय। Children of the world.
हुआ।